हरे कृष्ण। दशरथ महाराज जैसे एक बहुत ही बड़े विस्फोट के साथ, एक बूम के साथ जागे हुए, उन्होंने देखा वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बहुत ही नरम मुलायम गद्दे पर। द फर्स्ट थिंग व्हेन ही केम बैक टू कॉन्शियसनेस वाज अ साई ऑफ रिलीफ। अरे, और वे सोचने लगे कि अरे ये स्वप्न था, मैं पूरे अयोध्या में घूम रहा हूं, मैं हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, रात्रि का अंधेरा है, कोई तो राक्षस मेरा पीछा कर रहा है और मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। ये स्वप्न दशरथ महाराज को कई बार आ चुका था और ऐसे ही वो रात्रि में डर के उठ करके खड़े हो जाते। इनफैक्ट आज तो इस स्वप्न ने अपनी पराकाष्ठा कर दी थी। दशरथ महाराज ने उस मृत्यु रूपी राक्षस से बचने के लिए, मृत्यु से, समय से बचने के लिए अपने पैर झटके और पैर झटकने पर बेड के किनारे, बेड के पास में एक बहुत ही सुंदर वाज रखा हुआ था, मिट्टी का बर्तन बड़ा सा, उसको किक कर दिया, वो बूम करके जो गिरा उससे दशरथ महाराज जगे। दशरथ महाराज के महल की पहरेदारी 10,000 सिपाही करते थे, उसमें से 10 सबसे कुशल सिपाही दशरथ महाराज के इनर चेंबर के ठीक बाहर रहते थे। तो जब ये आवाज हुई बूम, तो वह सारे 10 के 10 सिपाही अंदर आ गए। वो देखते हैं दशरथ महाराज बिखरे हुए हैं, उनके बाल बिखरे हैं, उनकी आंखें लाल हो गई हैं, उनके मस्तक में से पसीना आ रहा है, उनके कपड़े पूरी तरह इतस्तत हैं। उन्होंने अपने राजा को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, ऑफकोर्स उन्हें पता भी नहीं था कि उनके राजा को ऐसा स्वप्न आता था। तो वो देखे दशरथ महाराज, फॉर अ मोमेंट ही डिडंट वांट दोस 10 गार्ड्स टू गो आउट बिकॉज ही वाज टेरिफाइड। लेकिन अंतम में जब ही काम डाउन, ही वाज ऑन हिज ओन, उन्होंने उन 10 सैनिकों को बाहर भेजा, दरवाजा बंद कर दिया और वो सोचने लगे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये स्वप्न मुझे बार बार क्यों आ रहा है। फाइनली उनके रूम में, अंतपुर में, एक बहुत सुंदर आईना था। दशरथ महाराज आईने के सामने जाकर के खड़े हो गए। इस आईने के सामने उन्होंने काउंटलेस बार, अनगिनत बार अपनी सारी पोशाक ठीक की थी, उस पर उन्होंने बीमिंग स्माइल दिया था। लेकिन इस बीमिंग स्माइल के पीछे का ये जो चेहरा था, डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, ये कभी किसी और को दिखा नहीं था। जीवन भी ऐसा ही है, हम सबके सामने खुश होते हैं, हंसते रहते हैं, हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, बट देन इन आर इनर हार्ट्स वी नो आर फियर्स, वी नो आर शॉर्टकमिंग्स, वी नो हाउ वी आर वल्नरेबल एंड व्हाई वी आर वल्नरेबल, ये हम सब जानते हैं। दशरथ महाराज इज ऑल्सो कमिंग टू फेस विद दैट रियलिटी। ऐसे ही वो देख रहे थे खुद को, उनकी भी आंखें लाल हुई हैं, हर जगह से पसीना आ रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े इतस्तत हैं। जब उन्होंने अपने बालों को देखा, अचानक से उनका ध्यान एक बाल के ऊपर गया जो सफेद हो गया था, अर्थात उन्हें पता चला कि वो वृद्ध हो रहे हैं। एंड देन ही कुड डिसाइफर कि वो जो राक्षस उनका पीछा कर रहा था और जिस राक्षस से बचते बचते वो समय के सामने खड़े हो गए थे, वो राक्षस था मृत्यु, और उससे बचने के लिए तो दशरथ महाराज भाग रहे थे। हम भी अपने जीवन में मृत्यु से बचने के लिए कितना भागते हैं। एक बार एक व्यक्ति मर गया और यमराज जी के पास गया। यमराज जी के पास जाकर के उसने कंप्लेंट की, आपने मुझे अनटाइमली ऊपर बुलाया है, आपने मुझे वार्निंग्स ही नहीं दिए। तो यमराज जी बोले, देखो मैंने आपको कई वार्निंग्स दिए, पहले तो मैंने आपको गंजा कर दिया, बाल चले गए, मतलब समय आ रहा है, आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, मैंने देखा मैंने आपकी आंखों की रोशनी और कानों का सुनने की ताकत कम कर दी, आप चश्मा लगाए, हियरिंग एड डाल लिए, मैंने आपका हाजमा कम कर दिया, आपने कायम चूर्ण लेना शुरू कर दिया, मैं अल्टीमेटली मैंने आपके दांत तक हिला दिए,
आपने डुप्लीकेट दांत डाल लिए, ये क्या थे सब, ये मेरे साइंस थे बाबा, समय आ रहा है। हम जब देखते हैं कि सब सफेद हो रहा है धीरे धीरे, समय आ रहा है। दशरथ महाराज ही हैड बीन सो बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द किंगडम, ही नेवर रियलाइज्ड दैट उनका भी समय आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने ऐसा सोचा, ही फॉर अ मोमेंट ही वेंट इन टू अ थॉट प्रोसेस ऑफ ग्लूमीनेस, तुरंत उनके चेहरे पे एक स्माइल आई। जब भी व्यक्ति दुखी है, प्रॉब्लम में है, और उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, इसका मतलब है उसे सॉल्यूशन मिल गई है। दशरथ महाराज को भी सॉल्यूशन मिल गई थी। दशरथ महाराज को इंसिडेंटली जो सॉल्यूशन मिल गई थी वो इन हाउस सॉल्यूशन थी। इन हाउस क्यों? वो सॉल्यूशन थी उनके बेटे राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। मंगल भाव।